फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉम नेशन। आप देख रहे हैं मुझे यानी कि सुप्रिया को मेरे यूट्यूब चैनल मॉम नेशन पर। मैं आई हूं आप लोगों के सामने एक और वीडियो लेकर, और पब्लिक डिमांड से ये वीडियो है एक बेबी केयर वीडियो। तो अगर आप भी बहुत दिनों से वेट कर रहे थे मेरे किसी बेबी केयर वीडियो का, तो वेलकम टू दिस वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आप यहाँ पर मेरे वीडियोज देखते रहते हैं तो थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। तो आज का जो मेरा ये वीडियो है, ये होने वाला है कुछ ऐसे नुस्खों के बारे में जो कि मैंने ओवर द इयर्स अपनी दादी, नानी, मम्मी, सासू माँ सबसे सीखे हैं। तो ये उन सबका मैं एक कंपाइल करके ये आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ, ताकि आप लोगों के लिए भी ये हेल्पफुल हो सके। क्योंकि मैं जानती हूँ आज के समय में काफ़ी हम में से काफ़ी लोगों के पास कोई भी नहीं है अपनी बातों को शेयर करने के लिए या कोई विजडम लेने के लिए। तो मैं फॉर्चुनेट इनफ हूँ कि मेरे पास ये सारी बड़े लोगों की जो सीख है वो मेरे पास है, तो इसीलिए मैं ये सारी सीखें आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। तो जो मेरी पहला नुस्खा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है कि जैसे ही ठंड स्टार्ट हो जाए, आप एक पाउडर बना सकती हैं अपने बच्चे के लिए। इस पाउडर में आपका जो मेन इंग्रेडिएंट होगा वो होगा लौंग। तो आप 7 से 8 लौंग एक तवे पे सूखे आपको सिर्फ इन्हें भून लेना है ऐसे ही। फिर उसके बाद इन्हें ठंडा करने के बाद आप देखेंगे थोड़े से क्रिस्पी हो जाते हैं। इसके बाद आपको इसका एक पाउडर बना लेना है, अच्छा तरह एकदम फाइन पाउडर बनाना है। और हर रोज सुबह और शाम दो टाइम आपको अपने बच्चे को शहद की कुछ बूंदों के साथ, 2 या 3 बूंद के साथ इसकी एक चुटकी ये पाउडर डालना है, और शहद की 2-3 बूंदों को मिक्स करके आप अपने बच्चे को ये जो चीज है ये दे सकती हैं। ये ठंडियों के लिए बिल्कुल एक रामबाण का काम करता है। मेरे भतीजे को भी ये पाउडर दिया जाता था, मैंने कृष्णा को भी ये पाउडर दिया है, और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है सर्दियों में बच्चों को थोड़ा सा उनकी जो बॉडी हीट है उसको बिल्डअप करने में। जैसे कि आप जानते हैं लौंग बहुत अच्छा, एक इसकी तासीर बहुत गर्म होती है, वो एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है ठंड में यूज़ करने के लिए। लेकिन बच्चों को पूरा लौंग देना भी थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि कितना हीट वो बच्चों को दे देगा उतना पता नहीं होता। तो इसके लिए आप इसे इस तरीके से अगर यूज़ करेंगे तो बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ है और बहुत ही ज़्यादा ठंडियों में इफ़ेक्टिव भी है। मेरा जो दूसरा नुस्खा आपके लिए है वो ये है कि जनरली हम अपने बच्चों को जब भी दूध देते हैं तो उसमें बॉर्नविटा या कोई भी बाजार से खरीदा हुआ ऐसा कोई पाउडर हम उन्हें मिला कर देते हैं। बहुत ही आजकल के ज़माने में कम बच्चे होंगे जो कि सादा दूध पीना पसंद करते हैं। तो इन ठंडियों के दिनों में आप क्या कर सकते हैं, ये जो आप मतलब स्टोर ब्रॉट ये जो आप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, जो पाउडर्स यूज़ करते हैं, उसके बदले आप एक बहुत ही न्यूट्रिशनल पाउडर घर में बना सकते हैं। कैसे? इसके लिए आप जितने भी नट्स आपको मिल जाएं, ड्राई नट्स आप वो ले सकते हैं, आप काजू ले सकते हैं, बादाम ले लीजिए, अखरोट ले लीजिए, पिस्ता ले लीजिए, आप छुहाड़े ले सकते हैं। ये सारी चीज़ों को आप लेकर पहले ड्राई रोस्ट कर लीजिए, इन्हें बिल्कुल सूखे किसी तवे पे या किसी कढ़ाई में बिल्कुल ऐसे ही रोस्ट कर लीजिए, और उसके बाद इसका एक बहुत ही फाइन पेस्ट बनाइए। और जब भी आपका बच्चा दूध पिए तो आप उस दूध में इस पाउडर को मिलाकर अपने बच्चे को दे सकते हैं। तो उससे उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। दूसरा, ये जो सारे नट्स हैं ये पावर हाउस ऑफ एनर्जी होते हैं, तो हमारे बढ़ते बच्चों को जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो इस पाउडर से पूरी हो जाएगी। तीसरी चीज़ इसका ये फायदा है कि ये होम मेड है, तो इसमें आपको कोई भी डरने वाली बात नहीं है कि इसमें क्या इंग्रेडिएंट डले हैं क्या नहीं। आप अपने बच्चे को सबसे अच्छी तरह जानती हैं, अगर उसे किसी भी नट से एलर्जी नहीं है तो आप जितनी ज़्यादा हो सके उतनी नट्स इसमें मिलाकर आप ये पाउडर बना सकते हैं और आपके बच्चे के न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा कर सकते हैं। और चौथी चीज़ ये है कि इसमें कोई भी एडेड शुगर या प्रिजर्वेटिव नहीं होता है, जिसके कारण ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। और ये एक बच्चों के हेल्दियर इम्यून सिस्टम या एक हेल्दियर बॉडी डेवलप करने में बहुत ही सहायता करता है। मेरी जो अगली टिप आपके लिए है वो ये है कि आप एक स्पाइस होती है जिसका नाम है जायफल। आप ये गोल सा होता है, सुपारी से थोड़ा बड़ा होता है, गोल गोल होता है ये। आप इस जायफल का यूज बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। या तो आप इसको, वो जो मैंने लौंग वाला पाउडर बताया था पहला वाला जो नुस्खा, या तो आप इसको थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में करके उसमें मिला सकते हैं, लेकिन इसकी क्वांटिटी बहुत कम रखिए आप। अगर आप 10 से 15 लौंग ले रहे हैं
तो उसमें आप सिर्फ इतना सा जो जायफल है उसका पाउडर ही डालिए, क्योंकि दोनों चीजों की जो तासीर है वो गर्म होती है, और बच्चों को ये जो आप डोसेस देंगी वो एक चुटकी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये जायफल का एक यूज तो ये हो गया कि आप ऐसे पाउडर फॉर्म में उसको यूज कर सकते हैं, शहद के साथ दे सकते हैं, कॉफ के लिए भी अच्छा है, पेट के लिए भी अच्छा है, बच्चों में सर्दी को जमने नहीं देता है ये पाउडर। और दूसरा जो यूज कर सकते हैं वो ये है कि अक्सर बच्चों को आदत होती है कि वो रात में दूध पीते हैं, जैसे कृष्णा अभी छोटा है 1.5 साल का है तो वो रात में भी दूध पीता है, और ये बॉटल वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा उपाय है क्योंकि पाउडर फॉर्म में आप उनको कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि उनके दूध में मिक्स होके वो बॉटल से वो ले नहीं पाएंगे इनटेक। तो जो बॉटल से दूध पीते हैं उन बच्चों के लिए आप ये उपाय यूज कर सकते हैं कि आप जायफल को थोड़ा सा किसी सील पे घिस लीजिए, जैसे हम चंदन को घिसते हैं, बस उसी तरह थोड़ा सा पानी डाल के आपको इसको घिसना है। और आपको थर्ड मैं बोलूंगी 1/3 टीस्पून आपको ये जायफल का जो पेस्ट लेना है उसको आपको दूध में डाल देना है, जो भी आपका बच्चा दूध पीता हो उस दूध में आपको डालना है, और इसको 1 या 2 बॉईल तक इसको बॉईल करना है। उसके बाद आप थोड़ा सा जब तक वेट करिए, जब तक ये दूध थोड़ा गुनगुना नहीं हो जाता, फिर इस दूध को आप अपने बच्चे को रात में दीजिए। तो दूध की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, वो कफ करता है बच्चों में, लेकिन अगर आप उसमें ये जायफल मिला देंगी तो ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो जाता है, क्योंकि कृष्णा को बीच में बहुत ज्यादा कफ हो गया था तो उसकी दादी ने उसके लिए ये चीज किया था, तब से मुझे उसको बहुत आराम हुआ और मुझे ये नया नुस्खा पता चला कि जो भी कफ अगर आपके बच्चे के छाती में फंस गया है तो वो उस कफ को ढीला करके निकालने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि बच्चे कफ को अपने मुंह से नहीं निकाल पाते हैं तो वो उनके स्टूल में पास करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो ये थे मेरे कुछ नुस्खे, मैं आशा करूंगी कि आपके लिए भी ये नुस्खे उतने ही अच्छे हों और उतने ही यूजफुल हों जितना मेरे लिए रहे थे। सो सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, स्टे हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।